बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 पावर x क्यूब प्लस 7 प्लस 4 पावर x क्यूब प्लस 7 प्लस 4 पावर x क्यूब प्लस 7 प्लस 4 पावर x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनसे 4 पावर x क्यूब प्लस 7 को कामन ले लेंगे। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4 पावर x क्यूब प्लस 7, इनसे क्या आता है 4 इज इक्वल टू 1। इनके ऊपर कोई फॉर्मी 1 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो रूल क्या है, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n वो बराबर होता है a पावर m प्लस n के। तो इनको और इनको भी इस तरह करेंगे इस रूल के मुताबिक। तो यह आ जाएगा 4 पावर x क्यूब प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4 पावर x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू, ये 1 नहीं, इनकी जगह लिख देंगे 4 पावर 0। 4 पावर 0 किसके बराबर होते हैं, 1 के। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, a पावर m इज इक्वल टू a पावर n और बराबर होता है m इज इक्वल टू n के। तो इनको और इनको इस तरह करेंगे, आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे x क्यूब प्लस 8 को लिख देंगे 2 पावर 3 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, हमें एक फार्मूले का पता है, वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू बराबर होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यह आ जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस 2x प्लस 2² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया x+2 इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरा आ गया x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए प्लस टू नहीं, इनको साइड पर लाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स की पहली वैल्यू आ गई -2, ये हमारे पास रियल नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको इधर लिखते हैं x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास क्या है, ए किसके बराबर है 1 के, बी किसके -2 के, सी किसके 4 के। तो इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में फिट करते हैं, वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -√ के अंदर b² माइनस 4ac डिनोमिनेटर में 2a। तो यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -b माइनस -+2 आ जाएगा +-, ये b² है तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4ac और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा 16, नीचे डिनोमिनेटर में 2a की जगह आ जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस -, इनसे क्या आता है -√12 2, फिर ये -√ के अंदर -12 नहीं, इनको लिख देंगे 4 1√ के अंदर 3√ के अंदर
स्क्वायर रूट माइनस वन, तो यहाँ इनसे आ जाएगा टू स्क्वायर रूट थ्री और ये योटा के बराबर है, तो यहाँ इनकी जगह इनको लग देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, डिनोमिनेटर में टू। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से टू को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री माइनस आयोटा, यहाँ टू लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, तो हमारे पास एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई, ये दोनों मेजरी है, वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, दूसरा है तीसरा है वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, जबकि एक रियल नंबर आया है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।